और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड, आपको मैंने बताया था इंडेक्स नंबर में बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, दोनों में दो मेथड से, अनवेटेड में थे एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसी तरीके से वेटेड के अंदर था एग्रीगेटिव मेथड जो कि आपने अलग अलग इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले पढ़े, वो वेटेड मेथड था। अब आप एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, तो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपके पास में लॉग ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट, बाद में अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले करेंगे आप। P01, तो यहां पर आप क्या करेंगे, समीशन ऑफ W वेटेज, ठीक है, इंटू P डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W, क्लियर है। और आपके पास में P बेसिकली क्या है, रिलेटिव प्राइस, तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव प्राइस लेंगे उसको फिर W से मल्टीप्लाई करेंगे। W क्या होता है बेसिकली, P0 Q0 को W बोलते हैं, क्लियर है बच्चे। W क्या होता है, W क्या होगा लिख देता हूं, W क्या है, P0 Q0, तो फर्स्ट ऑफ ऑल P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, W का कॉलम होगा, फिर उसके बाद आप P का एक कॉलम क्रिएट करेंगे, प्राइस को रिलेट करेंगे। P कैसे आएगा आपका, दिस वन, इसको क्या बोल रहे हैं, P बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर समीशन ऑफ W से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो PW डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ PW, W, क्लियर है बच्चे। कैसे करेंगे जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो अच्छे से क्वेश्चन देख लो, ये अर्थमेटिक मीन के थ्रू कर रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, एक तो W का कॉलम चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, एक मुझे P का कॉलम चाहिए, एक मुझे, बस देखो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड हम करने जा रहे हैं बच्चे, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो उसका फॉर्मूला क्या है, PW अपॉन समीशन ऑफ W, सिंपल। P पहले निकाल लो आप, P ठीक है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, P कैलकुलेट करेंगे, P कैसे आएगा, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0 इंटू 100, क्लियर है बच्चे। अब आप यहां देखेंगे तो आपके पास में P1, ये आपके पास में बेस ईयर है, वेटेड है, तो ये आपके पास में Q0 है, ये आपके P0 है, और ये आपके पास में P1 है, Q0, P0, P1, ठीक है, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 P0 इंटू 100, कैलकुलेटर से कर लेंगे, जो जो कर सकते हो कर लो, इंटू 100, 55 अपॉन 40 इंटू 100, दिख रहा है बच्चे इसमें स्क्रीन पे, ठीक है दिख रहा है, थोड़ा और इसको पतला कर लूँ मैं, आइए सॉल्व करते हैं। हेलो, ठीक है, 60/70, 60 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100,
85.71 और 55 अपॉन 40 इंटू 100 137.5, ठीक है। क्लियर है बच्चे? तो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में पी आ गया, ठीक है। अब मेरे पास में पी आ गया, मुझे निकालना है डब्लू। डब्लू क्या होता है ये बताओ जरा, पी जीरो एंड क्यू जीरो। तो पी जीरो क्यू जीरो फर्स्ट टू, तो 3000 सॉल्व करेंगे, 300, 1400, 200, 1000, ठीक है बच्चे, क्लियर है? डन बच्चे? तो ये आपके पास में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पी डब्ल्यू, समीशन ऑफ पी डब्ल्यू। कोई नहीं, पी डब्ल्यू। अब पी डब्ल्यू आप निकालोगे 2740 3020 85.71 इंटू 1400 119994, ठीक है बच्चे। रिपीट कर रहा हूँ, 85.71 मल्टीप्लाई बाय 1400, 1119994, 1119994, ठीक है, 15020, 137.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 137500। अब समीशन ऑफ पी डब्ल्यू, 274 टाइम 0 प्लस 34 टाइम 0 प्लस 11994 प्लस 15000 प्लस 137500 572494। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करते हैं, समीशन ऑफ पी डब्ल्यू क्या आया, 572494 अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। समीशन ऑफ डब्ल्यू क्या आएगा हमारा वो देख लेते हैं, 3000 प्लस 300 प्लस 1400 प्लस 200 प्लस 1000, 5900, 5900 इक्वल्स टू 572494 डिवाइडेड बाय 5900, तो क्या है 97.03। क्लियर है बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ओहो, इसमें एक प्रॉब्लम होगी बच्चे, एक बेसिक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, इसमें वेट गिवन था। अगर आपको वेट गिवन नहीं होगा तब आप वेट कैलकुलेट करोगे। ये सब तो ठीक है, इसमें वेट कैलकुलेट करने की आपको नीड नहीं थी। समझ में आया बच्चे? ये सब तो ठीक है आपका, इसमें आपको वेट गिवन था, ये वेट कह रहे हैं ना आपका, मैंने रीड नहीं करा इसको, मैंने क्यू जीरो समझ गया क्वांटिटी, ये आपको डब्ल्यू गिवन है। तो सिंपल आपको फिर क्या करना था, पी डब्ल्यू कर देना था। अगर आपको डब्ल्यू गिवन नहीं है और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आपको कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में आप जो है बच्चे जाकर के क्या करेंगे, आप पी जीरो क्यू जीरो से डब्ल्यू क्रिएट करेंगे, बट जब आपको डब्ल्यू गिवन है तो क्रिएट करने की नीड नहीं है, ठीक है ना? ध्यान से देख लो आप सामने, तो पी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, 30 इंटू 90
2 7 double 0 15 100 20 into 20 into 85.71 170 1 4.2 75 0 137.5 into 25 3 4 37.5। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हमारे पास में पीडब्ल्यू, अब समीशन ऑफ पीडब्ल्यू कर लो आप। अच्छा वो ये मिस्टेक हो गया था कि आपको दोनों इसकी सिचुएशन पता लग गया, प्लस 1500 171 4.2 750 3 437.5 1 0 1 0 1.7 एंड समीशन डब्ल्यू 30 + 15 + 20 + 10 + 25 100 101.01 दिस वन, ये आपका आंसर है। क्लियर है? आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना P01, तो समीशन पी डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। क्लियर है बच्चे? तो ध्यान रखेंगे, मैं रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है यहां पर एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में क्या करना है आपको, आपको फॉर्मूला बनता है पी डब्ल्यू बाय समीशन डब्ल्यू। अब पी क्या है? रिलेटिव प्राइस, क्योंकि हमने आर से रिप्रेजेंट करा था स्टार्टिंग में अनवेटेड इंडेक्स नंबर में एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में, तो पी क्या है? रिलेटिव प्राइस है, दिस वन पी। W आपको डायरेक्ट वेट नाम से गिवन होगा, अगर नहीं गिवन आपको वेट नाम से तो आपको वहां पर W क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट कैसे होता है? P0 इंटू Q0, बट यहाँ पर P0 इंटू Q0 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका वेट है। स्टार्टिंग मैंने वेट नहीं रीड करा था, मैंने कंसीडर कर लिया था लाइक ये हमारे पास में Q0 है, इस वजह से मिस्टेक हुई थी। आपका करेक्ट आंसर ये है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास, ये पहले अर्थमेटिक मीन से कर लो फिर ज्योमेट्रिक मीन से करेंगे।